खबरों में बात करते हैं सीएम सिटी करनाल की, जहां बीते दिनों गांव स्टोंडी में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पहले बदमाशों ने युवक को फोन करके गांव के बाहर बस अड्डे पर बुलाया और बाद में बाइक पर बैठाकर कुछ दूरी पर ले जाकर बदमाशों ने पेट में गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। संदीप की हत्या से गाँव में दहशत का माहौल व्याप्त है। पुलिस ने संदीप के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। सीआईए वन पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर स्टोंडी गांव से रिंकू निवासी को 315 बोर की अवैध पिस्तौल, दो जिंदा रोम के साथ काबू किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ब्लाइंड मर्डर की घटना का खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व मृतक संदीप के साथ कहासुनी हो गई थी। इस बात की रंजिश उसके मन में रखे हुए था। उसका बदला लेने के लिए उसकी हत्या अपने दोस्तों से करवाई है। आरोपी रिंकू वर्ष 2016 में लड़ाई झगड़े के मामले में जिला जेल करनाल में बंद था। जेल में उसकी दोस्ती जितेंद्र उर्फ जैकी वासी बीजना के साथ हुई। बीती 30 अगस्त को जितेंद्र उर्फ जैकी व अमित उर्फ लड्डू निवासी रसिनीव व एक अन्य आरोपी रिंकू के घर पर हथियार मांगने के लिए आए थे। आरोपी रिंकू ने उसे 32 बोर पिस्टल व 4 रोन दे दिए। उन्होंने रिंकू से कहा कि अगर तेरा कोई काम करना हो तो बता देना। रिंकू ने उसको कहा कि मेरी संदीप के साथ दुश्मनी है, उसको सबक सिखाना है। तब जितेंद्र उर्फ जैकी, अमित उर्फ लड्डू व एक अन्य आरोपी ने मिलकर रिंकू के कहने पर संदीप उर्फ काला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। आज आरोपी रिंकू को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी जितेंद्र उर्फ जैकी, अमित उर्फ लड्डू व एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। हमने स्टोंडी नहर पुल के पास से एक युवक रिंकू नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पोजेशन से एक नजायज असला मिला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में ये डिस्क्लोज किया कि जो 31 तारीख को जो स्टोंडी गाँव में युवक का मर्डर हुआ था, उसको करवाने वाला मेन सूत्रधार यही था। इसकी एक महीने पहले इसके साथ कोई रंजिश स्टार्ट हुई थी। उस रंजिश के बाद इसी के गाँव के पास का लड़का जैकी और एक रसीन का लड़का जिसको लट्टू कहते हैं, उसका निकनेम लट्टू है, वैसे अमित है उसका नाम, वो इसके घर पे आए। इसने उसको पिस्टल भी दी कि मेरा ये दुश्मनी है मेरी, इससे आप इसको रास्ते से हटा दो। उनको पिस्टल दी, इसे घर बैठ के उसकी सलाह बनी। तो इसने उसकी इसी प्लान के अनुसार उन्हें अगले दिन इस लड़के का मर्डर कर दिया। और इस एक और बात इन्वेस्टिगेशन में आई है कि इस मर्डर करने के बाद इन्होंने दिल में चीका में जाके एक सेठी क्लोथ हाउस है उसकी दुकान पे 3 फायर करके फिर उन्होंने फिरौती भी मांगी। ये बात भी क्लियर हो चुकी है, नामजद हो चुके हैं बंदे उस वारदात। क्यों ऐसी वारदात को अंजाम दिया ये दोनों जो वारदात से मिलते हैं? आपसे रंजिश थी कोई? ये इसकी रंजिश थी गांव में इसके साथ। किस बात को लेके हुई थी ये गांव में? बस ये थोड़ा पहले भी 2 मुकदमे दर्ज है, थोड़ा डेस्परेट टाइप का आदमी है, तो उसकी 1-2 बार कहा सुनी हुई गाँव में और मन में रंजिश लग गया उस बात। कितने लोग गिरफ्तार हैं अब फिलहाल? ये जो सूत्रधार था वो गिरफ्तार हो चुका है और जो मारने वाले हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया। सर कार से मिला असला वही है? वो कार से मिला था। डैशबोर्ड में वारदात करने वाले दो थे या तीन थे? वारदात करने वाले एक कैथल का लड़का था, उसका नाम अभी तक नहीं आया सामने। 2 लोकल थे, एक बीजना गाँव का था और एक दसीन गाँव का। बीजना जैकी जैकी ये सर कैसे बात है सर? उसी बाइक से बात? उसी बाइक पे एक लड़का बिठा के लेके आया, वहाँ पे 2 बंदे ऑलरेडी वेट कर रहे थे, उन्होंने फिर फायर कर दिया, फिर तीनों एक ही बाइक पे बैठ के भाग गए। दोबारा फिर शाम को 1:30 बजे चीका पहुंचे, वहाँ से ठीक लो था उसकी, वहाँ उन्होंने फायर किया उसकी दुकान पर और फिर फिरौती की एक पर्ची फेंक के आए। वहाँ मांगी सर? करीब 50 लाख रुपए की फिरौती। उनको गिरफ्तार कहाँ से किया? किसको? स्टोंडी नहर पुलिस से। कल यो असला ले रहा था सर, यो मतलब क्रिमिनल टाइप में है या क्या? इसी ने एक पिस्टल भी दी उनको वारदात के लिए। इसके 307 का एक मुकदमा पहले लड़ाई झगड़े का दर्ज है, फिर 325 का भी 2 मुकदमे दर्ज है। वारदात में शामिल नहीं था? प्लान था, प्लान इसका था, रंजिश इसकी। बंदे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, पहले ब्लाइंड मार के चल रहे थे लेकिन उसमें अब जो अक्यूज्ड है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ये मेरठ से लेके आया था, उसको वेरीफाई करा था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।